हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन क्या है? बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स की चैन दी होगी, यानी कि दो से ज़्यादा मैट्रिक्स दी होंगी, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 कितनी भी मैट्रिक्स दी हुई हैं, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, जैसे ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री हमें फाइंड नहीं करना है, हमें उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन से क्या मतलब है, अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं ए वन ए टू ए थ्री, तो इनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए वन ए टू को मल्टीप्लाई कर दें फिर ए थ्री को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम एक टाइप के दो ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, या ए वन ए टू ए थ्री, पहले ए टू और ए थ्री को मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद ए वन को मल्टीप्लाई करें। तीन के लिए दो ऑप्शन हैं। अगर एक और मैट्रिक्स होती फोर होती तो हम इन तीनों के पेयर के साथ उस फोर का मल्टीप्लाई करते, या फिर दो दो के पेयर बनाते, ऐसे जितनी हमारी मैट्रिक्स बढ़ती जाएंगी उतने ज़्यादा ऑप्शन हमें मिलते जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि हमें चूंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें सबसे कम कॉम्पिटिशन आए। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि दोनों से आंसर जब सेम आएगा तो दोनों की प्रोसेस भी सेम होगी, दोनों मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दोनों का सेम आएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो दोनों का सेम आएगा, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग आएगी, यानी कि इसको सॉल्व करने में और इसको सॉल्व करने में अलग अलग टाइम लगेगा। कैसे लगेगा, चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, एक 3x5 की है, एक मैट्रिक्स हमारी 5x4 की है और एक मैट्रिक्स हमारी 4x8 की है। अब देखिए यहाँ पे 3x5 की है तो 5 मैच होना चाहिए तभी इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। सिमिलरली यहाँ 4x4 और 4 मैच होना चाहिए तभी इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, ये तो मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अगर a इंटू बी करें और b इंटू ए करें तो जरूरी नहीं कि b इंटू ए हमें फाइंड हो, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखिए 5 से 5 मैच हुआ तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, a टू b और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसमें। तो चलिए हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितनी रो होगी, तीन रो होंगी, यहाँ पे तीन रो होंगी और हर एक रो में कितने वैल्यू होगी, 5 1 2 3 4 5 5 होंगी। सिमिलरली यहाँ पे कितने रो होंगी, 5 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे 5 रो होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 5 वैल्यू होंगी। तो यहाँ पर रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यानी कि इस पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ प्लस इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ इसका इसके साथ, यहाँ पे कितने मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं। तो हर एक रो में 5 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, यानी कि इस रो में 5 हो रहे हैं इन 5 के साथ, अगली रो में फिर इन 5 के साथ होगा अगली रो में, तो यहाँ पे कितने मल्टीप्ली, इसमें टोटल कितने रो है, 3। तो हर एक रो में कितने मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, 5। अब वहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, 5 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं तो उन 5 को ऐड किया जा रहा होगा, तो 4 एडिशन बन रहे होंगे। ये जब इन 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो सिर्फ यहाँ की एक वैल्यू निकलेगी, मान लीजिए कोई नई मैट्रिक्स बन रही है तो वहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी इन 5 मल्टीप्लीकेशन के बाद। और ये कितनी बार होगा, जितने इसमें कॉलम होंगे, क्योंकि इस पूरी रो का, इस पूरी मैट्रिक्स का पहले इस रो में होगा, क्योंकि फर्स्ट रो का इसमें होगा, फिर सेकंड रो का, थर्ड रो का, और फिर उसके बाद कितने कॉलम है, 4 कॉलम। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कॉस्ट आएगा प्लस, ये तो आया मल्टीप्लिकेशन को कॉस्ट। फिर एडिशन भी हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन 5 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर उनको ऐड करेंगे तब ये फाइनल वैल्यू आएगी, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली ऑपरेशन होता है एडिशन के कंपेयर में, तो यहाँ एडिशन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, एडिशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत बहुत कम होगी। मान लीजिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर मल्टीप्लिकेशन की 50 आ रही है और एडिशन की आपकी 5 आ रही है या 1 आ रही है, तो 50 में 1 को ऐड करें ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को हमने नेगलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही, इतनी। उसके बाद इन दोनों का फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो एक मैट्रिक्स बनेगी, नई मैट्रिक्स बनेगी। तो इस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी, देखिए जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो होगी 3x4 जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी।
तो 3x4 बनेगी, और अगली मैट्रिक्स क्या है 4x8। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसको मल्टीप्लाई करने में है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही कॉम्प्लेक्सिटी 3x4x8। अब इन दोनों को हम लोग, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी पहले आई थी, ये कॉम्प्लेक्सिटी बाद में आई, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम अगर इसको कैलकुलेट करें 3x16+96, इतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई। ये कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसको हम ऐड कर दें तो 6, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, हम इसके लॉजिक को समझा रहे हैं, उसके बाद हम मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 156 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई। सिमिलरली अगर हम इसको थ्री क्रॉस फाइव, फाइव क्रॉस फोर, फोर क्रॉस एट, अब पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगी कॉम्प्लेक्सिटी, इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 5x4x8, और इससे मैट्रिक्स जो बनेगी वो मैट्रिक्स क्या आएगी 5x8 की, और यहाँ पे 3x5 की मैट्रिक्स ये रही 3x5 की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी 3x5x8। अब देखिए जब इनका फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये दोनों ऐड होंगे, तो 5x20+120। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा वैल्यू 082। देखिए यहाँ पे 156 कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे 280 कॉस्ट आ रही है, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये दो छोटी छोटी मैट्रिक्स थी, यानी कि 3x5 और 5x4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर से हमें और छोटी मैट्रिक्स मिली, इनका जो रिजल्ट आया वो और छोटी मैट्रिक्स मिली 3x5, और यहाँ पे फिर हमें इस एक ही बड़ी मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ी मैट्रिक्स थी 4x8, यानी कि इसमें 8 कॉलम थे, यानी कि मैट्रिक्स बहुत बड़ी थी, 4x8 मैट्रिक्स को हमने 5x4 में मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक बड़ी मैट्रिक्स, और ये आप इसको मीडियम कह सकते हैं या बड़ी मैट्रिक्स, ये भी 5x4 बड़ी मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें फिर से और बड़ी मैट्रिक्स मिली, 5x8 की मैट्रिक्स मिली, मतलब मैट्रिक्स साइज और बढ़ गया। फिर उसको हमने छोटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने दो छोटी छोटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और छोटी मैट्रिक्स मिली हमें, यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो उनका रिजल्ट उससे छोटी मैट्रिक्स आई 3x4 की मैट्रिक्स आई, जबकि यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स से बड़ी मैट्रिक्स यहाँ पे आई 5x8 की, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम करने पड़ रहे हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा, फाइनल आंसर कि हमें किसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर इस केस में, अगर यही हम एग्जांपल लें तो इस केस में हमारा आंसर ये आएगा, यानी कि हमें इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि कभी किसी बार में ये ऑप्शन सही आया, यहाँ पे तो सिर्फ दो थे तो हमने दोनों को चेक कर लिया। जब यहाँ पे मान लीजिए मैट्रिक्स 5 होते हैं, A1, A4 एंड A5, अब हमारे पास ऑप्शन कितने ज़्यादा हो जाते हैं, या तो हम इन चारों का एक साथ, इन चारों इसके साथ, फिर इन चारों का कॉम्बिनेशन, फिर इन चारों में दो दो का कॉम्बिनेशन, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में सॉल्व करूंगा, A1 to A5 को सॉल्व करूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है उसको सॉल्व कर पाना, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इस A1, A2, A3, A4, A5 को ये पूरी चेन बन गई 5 मैट्रिक्स की, इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे मैट्रिक्स की कौन सा हमें पोजिशन चूज करनी है, यानी कि पहले किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो, उसके बाद किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो। बेसिकली प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में यही कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हम लोगों ने कंपाइलर डिजाइनिंग आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पर सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन में या सिंटेक्स डायरेक्ट ट्री बनाते थे, उसमें क्या करते थे, जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले होता था तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एडिशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले ए बी सी, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले ए इंटू बी परफॉर्म होगा, फिर सी परफॉर्म होगा, प्लस सी परफॉर्म बाद में होगा। यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमें इसमें क्या है, सिमिलरली अगर हम इसको ट्री में रिप्रेजेंट करें तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, उसके बाद यहाँ पे सॉरी A1, A2, A3 का मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा, तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि अच्छा हमें पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसकी कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी। तो ये हमारा पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर था। तो ये तो मैंने सिर्फ 3 मैट्रिक्स के लिए बताया, ये तो एग्जांपल था
कि कैसे कॉस्ट वेरी करेगी। अब हम लोग मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन को डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ओरिजिनल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पांच मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करना है।